गजाला जी, वो मैं अमार का फीडर धो रही थी तो धुल गया। जी धुल गया, मैंने सोचा कि अभी सो रहा है, उठेगा तो रोएगा, तो उससे पहले ही बना लूं। अच्छा किया, ये लो। ये क्या है? ये बजट है घर का, आज पेट है ना, रख लो। ये आप अम्मी को ही दे दीजिए, हर दफा अम्मी रखती है ना, इस बार महसूस ना कर जाए। फिजाला वो क्यों महसूस करेंगी? देखो अम्मी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हैं, और मैं नहीं चाहता कि अम्मी मजीद परेशान हो। ये बजट तुम बनाओ और इस घर को तुम चलाओ, रखो। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो रख लेती। गुड, खाना मिलेगा? मिलेगा, आप बैठे, मैं भी लेके आ। चलो। नहीं बस खा लो, मेरी प्यारी सी बहन है ना। मुझे पता है तो मुझे क्यों खिला रही हो। अरे मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, बहन हूँ तुम्हारी मैं। नहीं तू मेरी बहन नहीं हो, सारा मेरी बहन है। मेरे खुदा, फिर सारा याद आ गई। अच्छा नाजी, अगर मैं तुम्हें सारा के पास भेज दूं तो? हाँ भेज दो, चलो बैठो बैठो, अभी नहीं। नहीं मुझे जाने, अभी जाने, सारा के पास अभी जाने। नाजी मुझे जाने। खाना खा फिर ले जाओगी? हाँ ले जाऊंगी, खाना खा। चलो और का। बड़ी बात है सफदर साहब, आज इस नाचीज को कैसे याद कर लिया? मुझे यकीन था कि तू नहीं आएगा। क्यों? हम एक ही फील्ड में दोनों काम करते हैं, मिलते जुलते रहना चाहिए। मैंने सोचा भाई की दिहाड़ी लगवा दूं। दिहाड़ी? मैं समझा नहीं। चाय पियोगी? और सुनाए कैसा चल रहा है आपका चैनल? कहाँ चल रहे हैं आजकल चैनल, रोटी एक है, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े पे जंग हो रही है। हाँ ये तो है, कंफ्यूज है सबके सब। यार ये बिलाल ने क्या चक्कर चला दी? कैसा चक्कर? यही खालदा हुसैन वाला, उससे तो झगड़ा नहीं हो गया था उसका? अजीब लड़की है, फिर गायब हो गई। मैं क्या कह सकता? आप तो कह सकते हो। ये क्या? वैसे ही थोड़ी सी खिदमत है, रख लो। किस लिए? वैसे ही भाभी के लिए जाते हुए कुछ ले जाना। यार तुम्हें तो पता है कि हम मीडिया वालों की बीवियां कितनी नकचढ़ी और नाराज रहती हैं, कभी कभी उनको खुश भी करना चाहिए, रख ले। यार तुझे तो पता है हमारी छोटी सी फील्ड है, मेरे मुंह से कुछ निकलेगा और जब पलट के मेरे पास आएगा तो मैं गरीब तो फारिग हो गया ना। तू टेंशन ना ले, ये चैनल तेरा है, अगर तू हमारे काम आए तो हम इतने आसान फारा मोच नहीं कि तेरे बुरे वक्त में तेरा हाथ ना थामे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। अच्छा तो तुम लोग खालिदा के बारे में पूछना चाह रहे हो? तू समझदार है यार, तेरे से खुल के बात करना अच्छा नहीं लगता, बस तू गौर साहब को ना मुसीबत से निकाल दे। तुम्हारी चिड़िया अब बिलाल के सुनहरी पिंजरे में फंस चुकी है। कलीम गलत कह रहा है। क्या मतलब सर?
और मेरा मतलब है कि वो मिस गाइड भी तो कर सकता है। ओ सर, अभी तो रकम लगा ये क्लीन को। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? बात करो खालदा से। जी सर, मैं भेजता हूँ किसी को खालदा की तरफ। फौरन भेजो, उसके जेन का तो पता चले। क्या ख्याल है, बिलाल का असल चेहरा दिखाने की जरूरत है अभी? कोई लोया गर्म है, चोट ना मार दी जाए वहां से। सर भी इसकी जरूरत नहीं है। चलो पहले बात कर लो, फिर आगे का सोचेंगे ईमान से। जैसे आपकी मर्जी सर। ठीक है ठीक है।